जय माता मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के एग्जामिनेशन में अगला जो पेपर आपका है सामाजिक विज्ञान का होने वाला है, उसके लिए 10 महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को हमने यहाँ लिख रखा है। आप इन्हें देखिए, समझिए और अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आप बेहतर उत्तर लिख सकें। और संभव है कि इन सवालों से आपको पेपर में भेद जरूर होने वाला है, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। तो आइए हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न है जो हमने आपके सामने लिख रखा है, 10 महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। इसमें पहला है कि नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो नमक सत्याग्रह अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन था, एक समझ लीजिए मार्च था। जैसे दांडी मार्च किया गया था वहां से चंपारण से दांडी तक, तो गांधी जी ने इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया था 12 मार्च। चलिए इस 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत की गई थी। मामला यह था कि अंग्रेजों ने भारतीयों को नमक उत्पादन पर बैन लगा दिया था और भारतीयों से यह कहा गया था कि वे जो अंग्रेज बना के लाते हैं इंग्लैंड से नमक, उन्हें खरीदें और उन्हें इस्तेमाल करें। तो गांधी जी ने इसी के खिलाफ आंदोलन किया था जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जाकर नमक का उत्पादन भी किया। नमक की खेती की जाती समुद्र के किनारे, तो गुजरात में ये आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए, संक्षिप्त उत्तर लिखना है तो आप इसके बारे में थोड़ा पढ़िए और एक बेहतर उत्तर लिखिए ताकि आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। अगला है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, भूक्षरण रोकने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन का मतलब होता है भूमि का कटाव, मिट्टी का कटाव। मिट्टी की ऊपरी परत को जल द्वारा या वायु द्वारा या किसी और कृत्रिम क्रिया द्वारा अगर उसका कटाव होता है, क्षरण होता है, तो उसे मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है। वही कह रहा है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, भूक्षरण रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जैसे मेड़बंदी, वृक्ष लगाना सबसे बड़ी चीज है, और बांध बनाना, और सारी चीजें जो भी हैं आप इन्हें पढ़िए और बेहतर उत्तर लिखिए ताकि आप ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। अगला है, ऊर्जा के गैर परंपरागत चार स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं, वे स्रोत जो सीमित हैं, जैसे कोयला उत्पादन, कोयला जितना भी जमीन में है, या जीवाश्म ईंधन जैसे गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। कोयला कभी ना कभी तो खत्म होगा ही होगा। ये सब जैसे परंपरागत स्रोत में क्या हो गया, देखिए इसमें मुख्य रूप से कोयला है, गैस है, पेट्रोलियम है, तो ये सब क्या है, परंपरागत स्रोत है। और गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है, वे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें दोबारा से यूज किया जा सकता है, जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। जैसे यहां हम लिख दे रहे हैं गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा स्रोत है, तो आप इसमें क्या है, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, और पवन ऊर्जा और जो ऊर्जा जैसे बांध बना के ऊर्जा बनाया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ये सारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं वे गैर परंपरागत हैं। परंपरागत में जिन जो सीमित होते हैं, जो कभी ना कभी खत्म होंगे, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा हो गया, जो पवन चक्की लगा के ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, वो सारी चीजें, सौर पैनल लगा के सौर ऊर्जा का उत्पादन असीमित रूप से किया जा सकता है ये, और जैसे बांध बनाकर टरबाइन से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, तो ये सब असीमित चीजें हैं, इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, तो ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो वही कह रहा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत चार स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, और मतलब इन्हें बेहतर ढंग से आप पढ़िए और इनका सही उचित उत्तर लिखिए। ठीक है, अगला
प्रश्न है, संविधान की संघीय व्यवस्था क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संघीय व्यवस्था क्या है कि संविधान ने केंद्र को और राज्य को समान अधिकार, और मतलब संविधान में ये सारी चीजें लिखी गई हैं कि किस मतलब शासन के किस स्तर को क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे केंद्र के पास कौन सी शक्तियां हैं, राज्य के पास कौन सी शक्तियां हैं, तो इन सब चीजों के बारे में कह रहा कि संविधान की संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब है तक कि संविधान में ये चीजें लिखी रहती कि कौन सी शक्तियां केंद्र के पास हैं, कौन सी राज्य के पास हैं, किन किन मामलों पर केंद्र फैसला ले सकता है और किन किन मामलों पर राज्य फैसला ले सकता है, ये सारी चीजें संविधान में लिखी गई हैं। तो आप इन्हें बेहतर से पढ़िए और उत्तर लिखिए अच्छे से। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले चार लाभ लिखिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक मतलब कि जनता का जनता द्वारा चुना गया शासक, लोकतंत्र मतलब उस शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, और उस व्यवस्था के होने से जो लाभ होते हैं आपको उन्हें लिखना है, तो उन्हें आप बेहतर ढंग से पढ़िए और लिखिए उत्तर। हम आपको जो संभावित पेपर में आने वाले प्रश्न हैं वे लिख कर दे रहे हैं, आप उन्हें तैयार कीजिए और लिखिए। अगला है, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, किन चार प्रकार के प्रदूषण का उल्लेख कीजिए। तो उद्योग देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर कारखाना फैक्ट्री लगी है बहुत बड़ी, तो उससे होने वाला जो प्रदूषण है कई तरह का होता है। जैसे धुआं निकल रहा है वहां से, जैसे मान लीजिए कोई टायर बनाने वाली कारखाना है तो धुआं निकल रहा है तो वायु प्रदूषण हो रहा है, और दूषित जल निकल रहा है नदियों में जा रहा है, तालाबों में जा रहा है तो ध्वनि जल प्रदूषण हो रहा है, और कहीं मशीनें ज्यादा चल रही आवाज के लिए ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, और भी ऐसे बहुत तरह के हैं। तो प्रदूषण भी कई तरह के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, तो ये सब प्रदूषण के अलग अलग प्रकार हैं, आप उन्हें लिखना है। अगला देखिए, ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है। उपभोक्ता मतलब ग्राहक, तो दुकानदार किन किन कारकों द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं उन्हें लिखना है। जैसे मिलावट करना, दूसरा हो गया कि माप तौल में मतलब गड़बड़ी करना, ये चीज हो गया, और कई बार होता है कि सामान खराब रहता है, उचित मूल्य मतलब अधिक दाम पर बेचा जाता है, तो ये सब अलग अलग कारक हैं जो उपभोक्ताओं का शोषण करने के लिए दुकानदारों द्वारा यूज किए जाते हैं, तो आपको इन्हें लिखना है। अगला है, भारत के विदेशी व्यापार की किन्हीं तीन विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। मतलब भारत जो विदेशों में निर्यात करता है और वहां से जो आयात करता है, इन सब चीजों के बारे में लिखना है कि भारत कौन कौन सी चीजें मतलब विदेशों में निर्यात करता है, क्या आयात करता है, और व्यापार में कैसा भारत को ज्यादा प्रॉफिट होता है कि विदेशों को होता है, ये सारी चीजें लिखनी है। तो अगला है, भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण को संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है, विवेचना कीजिए। भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षण को और रक्षण को में योगदान दिया है, विवेचना कीजिए। मतलब कि भारत में जो अलग अलग समुदाय रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन्होंने वन्य जीव और वन को बचाने के लिए क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या योगदान दिए हैं, उनके बारे में लिखना है। जैसे हिमालयी क्षेत्रों में लोगों ने वहां पर वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया था, जो मतलब कई सारे लोग समूह में जाकर पेड़ों से चिपक जाया करते थे जब मतलब वहां पेड़ों की कटाई होती थी, तो ये सब चीजें आपको लिखना है। अगला है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा क्यों कहे जाते हैं। तो परिवहन और संचार साधन, इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कहीं फैक्ट्रियों में कोई सामान बन रहा है तो उसे किस किस चीज की जरूरत है, कच्चे माल की जरूरत है, और वहां से जब कच्चा माल फैक्ट्री में जाएगा, फिर फैक्ट्री से सामान उत्पाद बनेगा, फिर वहां से देश में या विदेश में कहीं और भी बेचने जब जाएगा तो उसे परिवहन की जरूरत होगी, एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जरूरत होगी, तो उसके लिए अच्छी सड़क होनी चाहिए, परिवहन व्यवस्था यातायात अच्छा होना चाहिए। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका विकसित है इसलिए यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, बल्कि यहाँ की सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका विकसित है। तो परिवहन और संचार बहुत ही जरूरी है किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने के लिए और उसमें वृद्धि करने के लिए। तो ये रहे आपके 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस
जिन्हें आप तैयार कीजिए और बेहतर से बेहतर उत्तर लिखिए। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो विस्तृत उत्तरी प्रश्न थे। आगे हम आपको अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्नों का भी ऐसे ही बता देंगे, प्रश्नों को जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन्हें दे देंगे। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देंगे। तो ऐसे ही और प्रश्नों को सीखने के लिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।